देखिए, आज झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक सजायाफ्ता कैदी को इतने बड़े बंगले में रखा जा रहा है। कोई विचाराधीन कैदी नहीं है लालू यादव जी, उनको सजा हो चुका है। उनको सजा इसलिए हुआ है कि उन्होंने गरीबों का हक लूटा है। उनको सजा हुआ है इसलिए कि उन्होंने कई लोगों का हत्या करवाया है। पशुपालन घोटाला में जो सब फर्स्ट पिटिशनर थे, विवेकानंद शर्मा हिनू में रहते थे, उनकी हत्या करवाई। उसके अलावा खंडेलवाल का हत्या करवाया। दर्जनों लोगों की हत्या करने के बाद भी ये नहीं बचे और कानून के शिकंजे में आए। और ऐसे अपराधी को बंगला में रख कर यह सरकार क्या संदेश देना चाहती है, कोई स्पष्ट करेगा? यदि लालू जी को यह सुविधा दी जा रही है बंगला का, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का हैं, राजा पीटर हैं, जोगेंद्र साव जी हैं, ऐसे तमाम जो मंत्री जो जेल में आज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, वैसे लोगों को क्यों नहीं बंगला दिया जा रहा है? वैसे लोगों की क्यों नहीं अलग व्यवस्था की जा रही है? इस सरकार में बैठे लोग सिर्फ अपना सत्ता को बचाने के लिए अपने राज्य के मंत्रियों से ज़्यादा उनको दुलरुआ हो गया बिहार का लोग। जो लालू जी कहते थे कि झारखंड हमारे लास्ट पे बनेगा, और उसको पूरा समर्थन और सब कुछ किया जा रहा है उसके लिए। ये झारखंड के ये जो तीन पार्टी की सरकारें हैं, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की आवश्यकता।